आज ना हम लोग बनाएंगे पनीर टिक्का मसाला बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी। आपको रेस्टोरेंट याद आ जाएगा। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, आपका धर्मशीला किचन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे टिक्का बनाने के लिए। तो यहाँ पर गैस के ऊपर पैन चढ़ा है, पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। 1 चम्मच का अंदाज डाला है, मापा नहीं है। और तेल एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए सरसों का, कि कच्चा ना टेस्ट रहे। उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और 20 सेकंड तक थोड़ा सा टेम्परेचर पे आना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही गर्म रहता है। और उसके बाद हम डाल देंगे 20 सेकंड के बाद हम डालेंगे बेसन 1 चम्मच। और बेसन डालने के बाद इसको चलाते रहेंगे और गैस ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका तेल का गर्मी है और पैन भी गर्म है, तो उसमें आपका बेसन अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, वो भी इसी में फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद एकदम ठंडा होने देंगे पैन को। उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच डाल देते हैं चाट मसाला पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच डाल देते हैं जीरा पाउडर, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, और 1/2 छोटी चम्मच डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1/2 नींबू था इसको जूस निकाले तो वो डाल रहे हैं, और डाल देते हैं 2 चम्मच दही। दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसमें डालेंगे ओनियन का शेल और डालेंगे थोड़े से शिमला मिर्च। ऊपर वाला पार्ट है ओनियन का और छोटे छोटे क्यूब में कटा हुआ है शिमला मिर्च। और ये दोनों डालने के बाद पहले हम मिक्स करेंगे, क्योंकि ये हार्ड होता है, मिक्स करने में आसानी होता है और पनीर सॉफ्ट होता है, तो इसको मैं बाद में डालूंगी। तो पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम पनीर क्यूब डालेंगे। तो ये 200 ग्राम मैंने पनीर लिया था, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के बाद आप इसमें हम धुआं मारेंगे। तो धुआं मारने के लिए बीच में गड्ढा बना रहे हैं, और सॉरी मैं कस्तूरी मेथी डालना भूल गई थी, तो इसको भी डाल लेते हैं और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम धुआं मार लेंगे। तो बीच में कटोरी रख देते हैं एक, और कटोरी रखने के बाद हम गरम गरम रखेंगे कोयला, और इसके ऊपर तेल या घी डालें, और डालने के बाद 1 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा देंगे, ढक देते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है आपको, इस बात का ध्यान रखें। तो 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं, वाह बहुत ही अच्छा अरोमा है इसका, और इसको रेस्ट करने देते हैं। यहाँ पर हम ग्रेवी बनाने के लिए प्याज भून लेते हैं। तो प्याज भूनने के लिए मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें हम 1/2 चम्मच तेल डाल देते हैं। उसके बाद हम बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, जो 2 मीडियम साइज का प्याज था इसको बारीक कट कर लिया है। इसको ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो इसको ढक ढक कर अच्छे से हम फ्राई करेंगे, और जब गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी आपको अच्छे से इसको भूनना है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई टमाटर, तब देख सकते हैं अच्छे से भून लिया है, और प्याज भी ये गोल्डन ब्राउन अच्छे से दिख रहा है। और डाल देते हैं मीडियम साइज़ का 2 चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद आपको अच्छे से भूनना है। तो इसमें हम नमक डाल देते हैं 1 चम्मच, और डालने के बाद हम अच्छे से भून लेंगे ढक ढक कर, जब तक इसको तेल ना निकल जाए। अब टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो अब देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, और गैस को बंद कर देते हैं। वापस से देखते हैं पनीर को, तो पनीर भी अच्छे से हमारा रेस्ट कर लिया है। थोड़ा सा अगर ड्राई लगे तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन ड्राई नहीं है। आप चाहे ना तो तवे पे सेके, या सीख में भी रड लगा कर रड में भी सेक सकते हैं, गैस के ऊपर या ओवन में भी पका सकते हैं। तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगी। तो यहाँ पर पहले आलू लगा है, सीख है मेरे पास,
उसी में हम डाल रहे हैं पनीर, शिमला मिर्च, प्याज, एक एक डालते जा रहे हैं। और डालने के बाद सब अच्छे से जब डाल लेंगे भर जाएगा, उसके बाद लास्ट में भी एक आलू डाल देंगे। इससे क्या होगा, पनीर को होल्ड करता है और जब ही सेकेंगे ना तब पनीर हमारा गिरेगा नहीं, दोनों को अच्छे से पकड़ के रखता है दोनों तरफ से। जो बचा हुआ है पनीर, प्याज, शिमला मिर्च, उसको तावे के ऊपर हम सेक लेंगे। और ये जो ग्रेवी है ना इसको भी साइड में रख देते हैं, वो ग्रेवी में डाल देंगे जो मसाला बचा हुआ है। और पहले हम अच्छे से पलट पलट कर इसको भी सेक लेते हैं। तावे के ऊपर मैंने बटर लगाया था, आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। और गैस को मीडियम फ्लेम पर रखा है, ये अच्छे से भुना गया है मतलब सेक गया है हमारा पनीर, और इसको साइड में रख दिया है। ये देखिए इसको भी सेक लेते हैं मतलब जला लेते हैं अच्छे से। तो ये देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा लग रहा है पनीर टिक्का। कोई कहेगा कि मैंने गैस पे सेका है पनीर टिक्का को, तब बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको हरी चटनी के साथ ऐसी भी खा सकते हैं, बहुत ही यमी लगता है। तो इसको ठंडा होने के बाद अच्छे से हम निकाल लेंगे। वाह कितना बढ़िया लग रहा है ना। प्याज टमाटर जो भुने थे ये ठंडा हो चुका है, तो मिक्सर जार के अंदर डाल लेते हैं। अब इसको हम प्यूरी बना लेंगे ना, पीस लेंगे, एकदम महीन पीसना है। और पीसने के बाद हम इसको भूनेंगे। तो फिर से गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा देते हैं और इसमें हम तेल डाल देते हैं। आप चाहे तो बटर भी यूज कर सकते हैं। और डाल देते हैं जो पिसा हुआ मसाला है, उसके बाद हम इसको अच्छे से हम भूनते हुए पका लेंगे। 4-5 मिनट लगेगा, अच्छे से भून लेंगे ढक ढक कर। तो जितना जल्दी हो सके भून लेंगे मसाला। अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्ची का पाउडर 1 चम्मच, और डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच डाल देते हैं जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर, और इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर 1 चम्मच। और फिर से चला लेते हैं कि मसाले भी साथ में पक जाएगा। और इस स्टेज पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है लेकिन मैंने थोड़ा सा डाला है। और इस जब सारे मसाले एक साथ आने लगे ना तेल छोड़कर, तब समझिए कि आपका मसाला भून चुका है। और जो बाकी ग्रे ये जो मैरिनेट वाला मसाला था वो भी हम डाल देते हैं, इसको भी साथ में ही भून लेंगे। और भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च लंबा लंबा कटा हुआ, ये बिना तीखा का है, और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, इसको भी थोड़ा सा डालकर भून लेते हैं। और इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था, इसमें पानी डालकर अच्छे से घोल बना लेते हैं। घोल बनाने के बाद हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे ग्रेवी के अंदर, और इसको भी चलाते हुए भून लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारी ग्रेवी रेडी है। ये जो पैन है उसको भी धो लिया था, पानी को मतलब पानी डालकर धो लिया था, और धोने के बाद इसके अंदर डाला। और सब हम डाल दिए पनीर टिक्का, और इसको धीरे धीरे हम चलाते जाएंगे। और ग्रेवी अपने हिसाब से रखें, पानी ज़्यादा ना डालें। मैंने टोटल 1 गिलास पानी डाला है, और थोड़ा सा इसमें चीनी डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डाला है थोड़ा सा। और इसमें डाल देते हैं अमूल का फ्रेश क्रीम। अमूल का फ्रेश क्रीम ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप कॉर्नफ्लावर डाले हैं ना उससे भी थिकनेस आ जाता है। इससे थोड़ा सा रिचनेस आता है कलर का भी, एकदम देखिए रिचनेस आ गया क्रीम डालने के बाद। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे, उसके बाद हम इसको ढक्कन खोलेंगे। धीमी आंच पे मैंने छोड़ा था, तो 2 से 3 मिनट हो चुका है, आप फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। आप इसको ना तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं, या पुलाव के साथ सर्व कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा पनीर टिक्का मसाला का रेसिपी, आप भी इस तरीके से बनाकर खाइए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए कि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो इस तरीके से आप भी बनाकर खाइए। अगर आपको नान की रेसिपी सीखना है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बना के दिखाऊंगी। खाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।